हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ Amazon एंड Flipkart हॉल। मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी थी Amazon से, थोड़ा सा लिया था Flipkart से। मैंने सोचा कि मैं कंबाइन करके दोनों को एक साथ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सो यस, नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद आवर टुडेस वीडियो। सो गाइस, जो मेरा फर्स्ट आइटम है वो है ये है आपका इबा हलाल प्योर परफ्यूम्स इन द वेरियंट रेन ड्रॉप्स। आई एम श्योर हर कोई इसके बारे में जानता ही होगा। एंड ये पहले दूसरी पैकेजिंग में आता था और अब इसकी पैकेजिंग चेंज कर दिया गया है। मैं ऑलमोस्ट 1.25 साल से इस परफ्यूम को ढूंढ रही थी। मुझे चाहिए था Amazon, Flipkart, नायका, स्नैपडील और पता नहीं किधर किधर जाके मैंने बहुत 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 ढूंढा। इनफैक्ट मैंने मार्केट में भी पूछवाया इस परफ्यूम के बारे में कि कहीं मिले तो मुझे चाहिए। ये कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। मुझे लगा कि ब्रांड ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, बट नहीं, फिर से इसे लॉन्च कर दिया गया है। एंड इतना ज़्यादा मैं इसे इसलिए ढूंढ रही थी बिकॉज ये परफ्यूम ट्यूब है, फेमस स्विस परफ्यूम डेविडॉफ कूल वाटर का। डेविडॉफ कूल वाटर 5000 से ऊपर का कुछ आता है एंड वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। मुझे एक चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद किसी भी परफ्यूम में कि वो लॉन्ग लास्टिंग ना हो। 5000 में मैं किसी चीज़ में लगाऊँ वो लॉन्ग लास्टिंग ना हो तो क्या ही फ़ायदा है। बट ये जो है ये आता है 299 रुपीज़ का। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से लिया था और मैंने इसका पे किया था 228 रुपीज़। कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है ऑनलाइन। और इसकी 10 ml की बॉटल है और ये बहुत 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 ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये आपका अल्कोहल फ्री परफ्यूम है। इसे आपको अपने कपड़े पे नहीं लगाना है, इसको अपने स्किन पर लगाना है। रोल ऑन है ये ऐसे, स्मेल सो गुड। ये लेकिन आउट एंड आउट समर फ्रेग्रेंस है। मुझे लगा मुझे ये मिल ही नहीं पाएगा बिकॉज कहीं नहीं मिल रहा था। सो अगर आप भी अपने लिए ढूंढ रहे थे ये परफ्यूम बहुत दिन से और आपको पता नहीं कि स्टॉक में फिर से आ गया है, जाके इसे खरीद लेना। अभी मैं लिंक दे दूंगी Amazon Flipkart दोनों का ही। नेक्स्ट जो मैंने लिया है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो ऐसे छोटा सा पैक होके आया था। ये है फ्रेंच मैनिक्योर की नेल स्ट्रिप्स। मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे। ये मैंने Amazon से लिया था। एक Flipkart एक Amazon ऐसे दिखा रही हूँ। मेरे हाथ में जो आ रहा है मैं जस्ट वो उठा के दिखाते जा रही हूँ। और ऐसे दिखती है नेल स्ट्रिप। इसमें 3 वैरायटी है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। एक आपका रेगुलर फ्रेंच मैनिक्योर की तरह से है, एक आपका वी करके है और एक डिज़ाइन करके वी है। अगर नहीं अच्छे से कैमरे पे आएगा तो मैं इसका दूसरा क्लोजअप डाल दूंगी। और ऐसे करके मुझे 10 स्ट्रिप मिली है। 1, 2, 3 ओके सॉरी एक गिर गई। ऐसे कर करके मेरे पास ये 10 स्ट्रिप्स है और पर पैक में ये 15 15 15 है, यानी 45 स्ट्रिप मुझे पर पैक में मिली है। इसका मैंने पे किया था जस्ट 128 रुपीज़। 128 रुपीज़ में मुझे 450 नेल स्ट्रिप्स मिली है फ्रेंच मैनिक्योर की, जो मुझे बहुत पसंद आई। फ्रेंच मैनिक्योर ऑनेस्टली बहुत सुंदर लगता है करा हुआ, बट प्रॉब्लम ये है कि वो ढंग से वैसे प्रॉपर नहीं आए तो अच्छा भी नहीं लगता है। मैं काफ़ी टाइम से ये ढूंढ रही थी बट मुझे सब महंगे महंगे दिख रहे थे, पर मेरा मन नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं फ्रेंच मैनिक्योर के नेल ही ले लूँ। और मुझे पर्सनली मिस क्लेयर के फेक नेल्स पसंद है तो मैंने देखा जो फ्रेंच मैनिक्योर वाले नेल्स थे वो सिर्फ आई थिंक 20 समथिंग नेल्स थे, वो 250 के थे। तो मैंने सोचा नहीं खरीदती हूँ, महंगे हैं। 128 में मुझे 450 स्ट्रिप मिली है। अब अपनी पसंद से मैं आराम से कर सकती हूँ। मैंने सोचा मैं पहले आप लोगों को एक बार हॉल में दिखाऊँ, मैं फिर इसे यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट मैंने लिया है एक रिंग और इसे मैंने Amazon से परचेज किया था। ये है आपकी जूल्स गैलेक्सी की और मुझे याद नहीं है 260 समथिंग मैंने इसका पे किया था आई गेस। और ऐसे दिखती है रिंग, बहुत सुंदर है। यू गाइज नो मुझे रिंग्स बहुत पसंद है। अभी मैंने नेल्स उतारा है नया करने के लिए। मैं फ्रेंच मैनिक्योर वाला या दूसरा कुछ करूँगी तब मैं इसे पहनूंगी। ये रिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत 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 सुंदर रिंग है। मैंने जूल्स गैलेक्सी का काफ़ी सारा प्रोडक्ट खरीदा था, काफ़ी इयररिंग्स का सेट है, एक ये है। और तो मैंने सोचा कि मैं एक प्रॉपर जूल्स गैलेक्सी हॉल करके आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आपको एक प्रॉपर ज्वेलरी हॉल चाहिए जूल्स गैलेक्सी का तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइटम। सो गाइस, नेक्स्ट आइटम जो मैंने लिया था वो है ये फॉल्स लैशेस का पैक और आई गेस मैंने इसका 200 समथिंग पे किया था। मैं स्क्रीन पे डालते जाऊंगी प्राइसेस। ये मैंने Amazon से लिया था। इसमें 10 फॉल्सीज थी आपकी, फॉल्स लैशेस 10 है और थोड़ा हिल गई है। 10 के 10 डिफरेंट स्टाइल की है और ये थोड़ी गंदी हो गई है, इसे मैंने कई बार यूज़ किया है और एक मैंने अभी लगाया हुआ है सेकेंड वाला। और इसमें नेचुरल भी है, मिंक भी है, लाइक वराइटी है इसके अंदर में, आप देख सकते हो।
इसका भी मैं एक क्लोजअप डाल दूंगी, जैसे आप आराम से देख सको 200 समथिंग मैंने पे किया था, मतलब 20 रुपीज पर लैशेज ही पड़ा मेरा। और उस एक एक लैश को आप 15 से 20 टाइम यूज कर सकते हो। जो ऊपर ऊपर वाली जो दिख रही है थोड़ी गंदी, वो क्लीन करूंगी तो बिल्कुल साफ हो जाएगी। उस पर्टिकुलर आई लैश को मैंने कम से कम भी 7 से 8 बार यूज कर लिया है और अभी तक एक बार भी वॉश नहीं किया है, इसलिए थोड़ी गंदी दिख रही है। मैं वॉश करूंगी तो बिल्कुल परफेक्ट न्यू जैसी हो जाएगी। सो अगर आप अपने अच्छी आई लैशेज ढूंढ रहे हो तो आप ये परचेज कर सकते हो। उसमें वैरायटी है, ऐसे बहुत सारे पैक आते हैं जिसमें सारी की सारी आई लैशेज एक ही जैसी दिखती है। जो मैंने पहले परचेज की थी वो काफी नेचुरल लुकिंग थी, अच्छी थी। सेम प्राइस में मुझे ये मिल गई जिसमें 10 अलग अलग वैरायटी है। मैं जब चाहूँ वैसे लुक क्रिएट कर सकती हूँ उसके साथ। मुझे बहुत पसंद आई है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और वैरायटी है इसमें। सो गाइस, मैं प्रोडक्ट दिखाने के साथ साथ मिनी रिव्यू भी कर रही हूँ, इसीलिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं ट्राई करूंगी बहुत लंबी ना करूं। बट मैं रिव्यू भी करते जा रही हूं जैसे कि आपको पता चले कि आपको उसको खरीदना चाहिए या नहीं। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा बेकिंग के ऊपर। और ये सब कुछ मैंने अमेजोन से लिया है, आई गेस एक फ्लिपकार्ट से लिया है। कुछ मैंने बेकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट लिए थे, मैं आपके साथ में वो शेयर करना चाहती हूं। पहला है ये हार्ट शेप मोल्ड। ये मैंने एक हार्ट शेप का ढोकला बनाया था, वो उस वीडियो में शेयर किया था। एंड आपको अगर नहीं पता है तो मैं हर संडे सुबह 11 बजे एक कुकिंग वीडियो डालती हूँ, तो अगर आपको कुकिंग वीडियोस देखना पसंद है तो हर संडे सुबह 11 बजे आके आप देख सकते हो। एंड बाय द वे नोटिफिकेशन बेल पे हिट कर दो और ऑल कर दो तो आपको हर बार नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं हर संडे सुबह 11 बजे एक कुकिंग वीडियो डालती हूँ, तो उसमें एक वीडियो में मैंने शेयर किया था ये। इसकी क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट अमेजोन पर जब मैंने इसे परचेज किया था तो डिस्क्रिप्शन में थोड़ा छोटा दिख रहा था, लाइक ये छोटा होगा हार्ट, डिस्क्रिप्शन में वही लिखा हुआ था और वही पढ़ के मैंने लिया, डिटेल्स वही लिखी थी। बट ये काफ़ी बड़ा आया, पहले तो मेरा मन किया मैं रिटर्न कर दूँ, बिकॉज इतना बड़ा हार्ट मुझे चाहिए नहीं था। बट आई वाज लाइक ठीक है, मैं बेकिंग करते रहती हूँ, मुझे पसंद है, तो एक बड़ा हार्ट भी हो जाएगा। मैं बाद में और एक दूसरा कोई और ब्रांड से थोड़ा छोटा ले लूँगी, और मुझे इसका भी एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है, तो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड बाय द वे, अगर आपको हार्ट शेप केक बनाना है थोड़ा ऊंचा, तो आप इसमें 2 बार केक बना लो। ये सिलिकॉन का है तो इजीली निकल भी जाता है, तो 2 बार बना लो और लेयर करके आप एक अच्छा सा बड़ा केक बना सकते हो। नेक्स्ट मैंने लिया था ये कपकेक्स के सिलिकॉन कप्स। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, आई एम रियली सॉरी एक अमेजोन एक फ्लिपकार्ट करने के लिए, बट एक एक करके मैं दिखा रही थी, पहले फैशन आइटम्स और अभी बेकिंग आइटम, तो वैसे ही हो रहा है इसीलिए। और ये है ग्रीन कलर के, इसमें मल्टी कलर्स भी थे, अलग अलग था, मैंने ग्रीन लिया, क्यूट लग रहा है ये। ये सिलिकॉन के हैं, इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे, एंड एग्जैक्टली मुझे इसका कोई प्राइस याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। ऐसे है, साइज भी मुझे बराबर लगा एकदम ये। और मैंने इसे यूज अभी तक नहीं किया है, बट मैं बहुत जल्दी से यूज करूंगी और आप देख लोगे मेरे कुकिंग वीडियोस में, लाइक संडे सुबह 11 बजे मैं डेफिनेटली इसको यूज करके कपकेक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझे कमेंट में बताना कि आप कौन से फ्लेवर का कपकेक देखना चाहते हो, वनीला, चॉकलेट या बिस्किट से, ओरियो से, पार्ले जी से, जो भी आपको पसंद हो आप कमेंट में अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। एंड नेक्स्ट मैंने लिया था अमेजोन से, थोड़ा गंदा है बट मैं इसको क्लीन करके आपको उसका क्लोजअप दूंगी। वो है ये ट्रे। ये मैंने प्लेटिंग के लिए लिया था, जैसे मैंने बताया मैं कुकिंग वीडियोस डालती हूँ, तो प्लेटिंग के लिए सुंदर सी मुझे एक प्लेट चाहिए थी ये। बाकी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी, ये 250 के अराउंड में मुझे पड़ी थी या उससे भी कम की थी आई थिंक। ये इसकी क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पे आप डिप अपनी यूज़ कर सकते हो, सॉस या चीज़ डिप या चटनी कुछ भी, और यहाँ आप अपना खाने का रख सकते हो जो भी आप खा रहे हो, तो आप इसको सर्व भी कर सकते हो गेस्ट के सामने भी। और अगर आपको कुकिंग बहुत पसंद है तो आप बना के अच्छे से पिक्चर्स क्लिक करना पसंद करते हो तो आप ये ले सकते हो। बहुत सारे थे, मैंने काफ़ी ढूंढा था, उनकी क्वालिटी सबकी उतनी अच्छी नहीं थी, मुझे बस ये था कि मुझ तक जो पहुँचे तो टूट फूट के ना पहुँचे और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, जैसे मैं लंबे टाइम तक यूज़ कर सकूँ। इसकी क्वालिटी बहुत टॉप नॉच की क्वालिटी है, लुक भी बहुत सुंदर है, मुझे पर्सनली काफी पसंद आया। इसी ब्रांड से 2-3 मैंने और भी देखा था, वो भी मैं परचेज करूंगी, मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगी। और आप वैसे भी कुकिंग वीडियोस में देख ही लोगे कि मैंने क्या क्या लिया है। एंड सभी चीज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपको वीडियो पसंद आया है। So don't forget to like, share and subscribe for my channel. Bye. See you in my next video.